आई एम बैक भाई लोगों, मैंने 18 राइड कंप्लीट कर दी है, उसमें मुझे अर्निंग हुई है 612 रुपए की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज मारवाड़ी है और मैं जोधपुर राजस्थान से। दोस्तों आज हम चलाएंगे रैपिडो। रैपिडो में आपको दो हेलीमेंट की आवश्यकता रहेगी, एक आपके लिए और एक आपके पीछे बैठेगा उनके लिए। लगभग मैं गांव में हूँ, लगभग मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर है सिटी। सिटी के अंदर जाऊंगा, वहां से मुझे राइड मिलेगी, कहाँ ड्रॉप करना, कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन एक राइड के पूरे दिन में कितने रुपए की अर्निंग होती है वो देखेंगे हम। तो चले वहां। मैं 3 बुकिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, लगभग मुझे 5 घंटे हो गए हैं ऑनलाइन आए हुए को, और 3 बुकिंग में मुझे अर्निंग हुई है 109 रुपये की। अब चौथी बुकिंग का मैं वेट कर रहा हूँ, लगभग मुझे आधा घंटा हो गया वेट करते हुए, कितनी देर में आती है देखते हैं। आई एम बैक भाई लोगों, मैंने 18 राइड कंप्लीट कर दी है, उसमें मुझे अर्निंग हुई है 612 रुपए की। लगभग मैंने 12 घंटा ड्यूटी की है, 12 घंटा में 612 बहुत ही कम है भाई लोग, क्योंकि पूरी तरह से मैं थक चुका हूँ। मेरी बॉडी में 1% भी एनर्जी नहीं रही, हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं और मेरा सर भी दर्द कर रहा है, क्योंकि 1 किले का हेलीमेट सर पे लेके पूरे दिन चलना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ। मेरे पास आज एक मसला आया था, रैपिडो कस्टमर है ना डिलीवरी बॉय को यार 8 रुपये कम देता है, जो ऐप के अंदर 100 करता वो तो देना चाहिए यार। आप लोग 10 रुपये उसको ज़्यादा दे देते, टिप दे देते तो क्या हो जाता यार। एक बात सोचिए, आप राइड डालते हो, वो आपको 3 किलोमीटर पिक करने आता है, ठीक है, उसके बाद में आप उसे उस एरिया में ले जाते हो, मान लो 10 किलोमीटर दूर लेके गए, 10 और 3 13 किलोमीटर, वापस 13 किलोमीटर आएगा, 27 किलोमीटर, उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए यार, उसको 10 रुपये दे देते तो आपका क्या हो जाता, भला करो यार। रैपिडो तो कुछ सोचता नहीं है आपको, तो आप तो सोचो यार, आपको यार रैपिडो ने यार काफ़ी पैसे कम देते हैं, मतलब 3 किलोमीटर के 15 रुपये यार बहुत ही कम है। मैं कहता हूँ मिनिमम उनको चार्ज कर देना चाहिए, बुकिंग डालेगा 30 रुपये मिनिमम, मतलब एक मिनिमम 30 रुपये चार्ज होना चाहिए, उससे क्या है रैपिडो को मतलब कस्टमर को फायदा, यार डिलीवरी बॉय को फायदा हो, कस्टमर को भी फायदा हो। कस्टमर बुकिंग डालता और काफ़ी ज़्यादा बुकिंग है मेरे पास आई थी, मतलब फर्जी बुकिंग जिसको बोलते हैं फर्जी बुकिंग, वो रैपिडो को रोकनी चाहिए, क्योंकि बुला के ऑर्डर बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि डिलीवरी बॉय को है ना काफ़ी घाटा होता है, क्योंकि वो 1-2 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा दूर रहता है, फिर राइड कैंसिल कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो भी है अगर फर्जी बुकिंग करते हैं उनको सोचना चाहिए यार, उसको लॉस होता ना। मैं तो कहता हूँ आज हमारे आप किसी के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ कोई करे तो अच्छा नहीं है ना, आपको मतलब सुधार करना चाहिए इस चीज़ का यार। मतलब 612 बहुत ही कम अर्निंग है, मैं मानता हूँ यार 12 घंटे में 612, कम से कम 1000 रुपये की अर्निंग होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ ये 1000, 1200 या 800 रुपये तो खर्चा निकाल के 1000, 1200 बचने चाहिए, अगर 12 घंटा बंदा काम कर रहा बहुत ही कम है। मैं तो यही कहूँगा कि मसला है यार, आप डिलीवरी पार्टनर को, जो रैपिडो के कस्टमर, किसी भी कंपनी के कस्टमर हो, चाहे ओला के हो, चाहे उबेर के हो, किसी के भी हो, 10-12 रुपये 20 रुपये टिप देने से आपका भला ही होगा ना यार। यार एक बात बताओ, 200 रुपये का यार उसका तेल जल गया, फिर भी वो आपको आपके घर तक पहुँचा रहा है, बहुत ही काफ़ी अच्छी बात है यार। मैंने आज ट्राई की है, बहुत ही मैं यार पूरी तरह से थक चुका हूँ, मेरी बॉडी में 1% भी एनर्जी नहीं रही है, 12 घंटे मैंने काम किया यार। मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं वाकई करके देखा है, बहुत ही कम है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, आपको तो है ना उसको ज़्यादा पैसे देने चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से यार थक चुका हूँ, मेरी बॉडी में है ना 1% भी एनर्जी नहीं रही, 1%। यार आपको रैपिडो मिनिमम 30 रुपये किराया कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी, क्योंकि डिलीवरी बॉय को भी फायदा होता है यार। इसकी बारे में जो 12 किलोमीटर मैं गया और साला कस्टमर 3 रुपये आगे करता है, और रैपिडो कितने देता है, कितने रुपए दिए, 20 रुपये प्लस में दे देती है, 23 रुपये से 12 किलोमीटर में क्या होता है मुझे ये बताइए, 12 किलोमीटर के 23 रुपये बहुत ही कम है, मैं मानता हूँ बहुत ही कम है, पर फिर भी क्या करें, ऐसा होता है यार। मतलब हमारे लोगों का मतलब कंपनी है ना मजदूरी का फायदा उठा रही है,
काफी चेंज करना चाहिए रैपिडो को, मैं तो यही कहूंगा। जो भी डिलीवरी पार्टनर चलाते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। मैं काफी लोगों से डिलीवरी पार्टनर से मिला, वो कहते हैं हम सुबह के 7 बजे लगते हैं, रात को 11:30-11 बजे तक चलाते हैं, तब जाके हमें 800-900 रुपए की अर्निंग होती है, वो भी भूखे तीरे प्यासे चलाते हैं। बहुत ही कम है अर्निंग, फिर भी मैं ट्राई करूंगा रैपिडो तक ये वीडियो पहुंचे, वो आपकी जरूर सहायता करेंगे। इस रैपिडो को काफी सुधार करना चाहिए यार, 3 किलोमीटर के 15 रुपए, उसके बाद में 3 रुपए पर किलोमीटर, यार क्या होता है मुझे ये बताइए। 3 रुपए किलोमीटर मतलब पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं, गाड़ी के कहाँ के मेंटेनेंस के कहाँ पैसे दे रहे हैं, कुछ भी ना दे रहे हैं। डीजल अगर ऑयल देखे तो कुछ भी नहीं है। आपको काफी चेंज करना है भाई लोगों, अगर आपको अगर रैपिडो में जुड़ना है तो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड दे दूंगा, उससे आप जाके जुड़ भी सकते हो अगर आपको लगना है रैपिडो में। अगर देखो पार्ट टाइम अगर कॉलेज वाले बंदे कर सकते हैं उनके लिए, जो एक आम आदमी अगर घर चलाता हो उसका इस रैपिडो से घर नहीं चलेगा मेरे अनुमान से। काफी चांस करना है रैपिडो को। कुछ यार सोचो, कुछ चांस करो यार, काफी मतलब यार मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, बता नहीं सकता हूँ यार। मैं है ना जो चलाते हैं उनको सल्यूट करता हूँ, रैपिडो पार्टनर जो भी ऐप चलाता है उनको मैं दिल से मेरे सल्यूट करता हूँ यार। और जो भी यार पूरी तरह से थकना एक आदमी यार, रात को कम से कम 13-14 घंटा काम करता है, उसको यार 400-500-800 रुपये बड़ी मुश्किल से अर्निंग होती है, और उसमें से भी वो तेल जला देता है यार 200-300 रुपये का, फिर जाके 400 रुपये सेविंग होती है, बहुत ही कम है मैं मानता हूँ। लेकिन यार रैपिडो जो चलाता है 15-16 घंटा उसको अर्निंग होनी चाहिए, 1000-1200 रुपये की खर्चा निकाल के भी तेल वगैरह सब, काफ़ी ज़्यादा कम है यार। मेरे इस बात समझ में नहीं आई, मैं एक बात बताऊँ, पूरे दिन वो मतलब पूरे दिन है ना इस कोने से इस कोने जाता है, ठीक है अभी यहाँ है, बाद में कहाँ होगा उस एरिया में जाता है जहाँ वो जानता ही नहीं है। काफ़ी चेंजिंग करना चाहिए, बहुत ही कम है मतलब पैसे, फिर भी मैं सुधार करूँगा। मैंने 12 घंटा चलाया है, 12 घंटे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लाइक करना, शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।